कहावत तो आपने ये जरूर सुनी होगी कि चोर उस पर सीना जोरी। आज लोकसभा में शिवसेना ने इसी कहावत की तर्ज पर हंगामा किया है। दरअसल शिवसेना के चप्पल मार सांसद रविंद्र गायकवाड़, उन्होंने एयर इंडिया के अधिकारी के साथ हुए विवाद पर अपना पक्ष पेश कर दिया है और खुद पर लगी पाबंदी को हटाने की गुजारिश की है। लेकिन उनका और शिवसेना के दूसरे सांसदों का अंदाज जो है वो सीना जोरी जैसा है। मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। किसी आतंकवादी ने कोई धमकी नहीं दी है और न ही किसी खुफिया एजेंसी ने किसी खतरे की सूचना दी है। दरअसल लोकसभा में आज की कार्यवाही के दौरान रविंद्र गायकवाड़ और एयर इंडिया के मसले पर हंगामा हुआ। उसी दौरान संसद में ये आवाज गूंजी कि रविंद्र गायकवाड़ पर से पाबंदी नहीं हटाई गई तो मुंबई से किसी विमान को उड़ने नहीं दिया जाएगा। शिवसेना के चप्पल मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ और एयर इंडिया के मसले को सुलझाने के लिए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू और सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने मीटिंग की। उम्मीद ये जताई गई कि आज ही ये मामला सुलझ जाएगा और रविंद्र गायकवाड़ पर लगी पाबंदी हटा दी जाएगी। शिवसेना ने सरकार को 10 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया और धमकी दी कि अगर पाबंदी नहीं हटाई गई तो शिवसेना 10 अप्रैल को होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होगी। क्या करना है देखिए, हम इतना ही कहूंगा, जो जिस तरह से आरोप सांसद के ऊपर आपने डाले है ना, गलत है। जो क्लिप सामने आई है, जो क्लिपिंग सामने आई है, 2-3 प्रकार की सीसीटीवी फुटेज है, उसमें से वो व्यक्ति जो है वो खुलेआम सांसद से दुर्व्यवहार कर रहा है, जो एयर इंडिया का कर्मचारी नहीं है। इससे पहले आज लोकसभा में रविंद्र गायकवाड़ ने मामले पर सफाई दी और कहा कि दोष उनका नहीं बल्कि एयर इंडिया के अधिकारी का है और उन पर लगी पाबंदी तत्काल प्रभाव से हटाई जानी चाहिए। गुनेगार समझकर घूम रहे हैं और मुझे एयर इंडिया की नहीं, सभी एयरलाइंस ने यात्रा की पाबंदी लगाकर मेरे संवैधानिक अधिकार पर आक्रमण हो रहा है, जो मेरा मूलभूत अधिकार है। आप हमारी कस्टडियन हो और आपसे मैं मेरे अधिकार की रक्षा की अपेक्षा करता हूं। रविंद्र गायकवाड़ ने संसद में ये भी मांग की कि उन पर लगा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी हटाया जाना चाहिए। और फिर एक बार आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं जब सांसद साहब कहते हैं कि शालीनता तो मेरे बर्ताव में है, मेरे व्यवहार में।